शुक्रिया। हम आप लोग को सबसे पहले आदाब अर्ज यहां से कर रहा हूं, और सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि जो लोग सूरीनाम में खास करके जैसे ओस फॉर बेंडिंग हो, प्यारे लोग लोग गाड़ी उड़ा करके जाता, उड़ा करके अगर सवारी में पखना दखना होता तो लोग हेलीकॉप्टर की तरह यहीं से उड़ जाते हैं, लेकिन गाड़ी में बहुत और है, और खास जितनी लोग चला सके भैया चला करके जाता है, फ्रॉम ताल बॉक्सिंग स्टेशन ऑन ट्रक एंड ए पर्सोन ऑटो ऑन द ओस्ट्रेस फॉर बिंडिंग दर होक्त फान अल्फोंस डॉर्प। प्यारे लोग, वो छोटा गाड़ी वो ट्रक के नीचे घुस गया, समझ जाओ कि कितना स्नेल हेट से वो गाड़ी चला है, कितना स्नेल हेट, कितनी जोर से फ्रंटल बॉक्सिंग वो गाड़ी में शोफेयर फंस गया, क्योंकि ब्रांडवेयर को वहां पहुंचना पड़ा कि ब्रांडवेयर आ करके काट काट करके समय बीत गया, तब जा करके शोफेयर जिनका देहांत हो गया वही गाड़ी में उनको बड़ी मेहनत से काट करके गाड़ी उनको बाहर निकाला गया है। यह छोटा गाड़ी एक ट्रकर के नीचे घुसा है, ट्रक जिस पर लकड़ी लदा है। ये लकड़ी के मामला जो है सूरीनाम के सरकार अब वो लोग को कोई ऐसा विचार नहीं रह गया कि वो क्या बोले ये लोग को, क्योंकि जितना लोग जानत है लकड़ी पानी के तरह पानी से खींच करके ट्रकर पानी से वो जहां जहां साख मूलन है वहां पर लकड़ी ला करके पहुंचाता था। ये अचानक भैया ट्रक में लकड़ी शहर के अंदर में कि जैसे बारात जा रहा काका, बारात जैसे, न सरकार देखत है न सरकार के कम करतन देखत है, कोई न देखे है। जब आ रेडिंग होता तब लोग दौड़ने लगता है, लिंकर कांत रेक्टर कांत, कोई ऊपर भागता है कोई नीचे झांकते हैं। अरे झांकने में हम लोग तो यहां पर चैंपियन है, बस ये झांकने के कारण से एक गाड़ी घुस गए एकदम दूसरा ट्रक के नीचे, दोरम फ्रंटल बॉक्सिंग ट्रक एंड पर्सोन ऑटो नीचे, आधा गाड़ी पर्सोन ऑटो के आधा ट्रक के नीचे था, और ट्रक पर ब्लॉक लकड़ी लगा है, शोफेर का मौत हो गया है। हमारे देश के तमाम जनता ये जो धक्का मारने के बाद जो ट्रक जिस पर लकड़ी लदा है वो पर्सोन ऑटो को करीबन 40 से लेकर के 50 मीटर ठेवत का कहीं जाकर के फिर जाकर के रुका है, सिलेक्टेड पर्सोन ऑटो ऑफर 40-50 मीटर में एंड कम बे एन अनबोन पंथ लंग्स द वेक्ट ऑफ स्टिल स्टैंड। De auto kwam tot bijna de helft onder de trek terecht. Ook een nietje wat hoesal hebben, papa. Nietje, gedam ze nietje. Dat deko, chauffeur te mout hoe gaya he. Chipa hier baat het onderzoek karega. Lekin je lakkerie ke maamla jo he kaka. Je transport jo lakkerie trek per hota he. Eek do lok ko te bari fayda he. Jiska lakkerie he unko fayda he. जिनका ट्रक है उनका फायदा है और मेरी वालों को फायदा है, लेकिन हजारन लोग के लिए दुख समाचार, क्योंकि सड़क टूट जाता है, एक गलतियां करो तो कहीं कोई के घर में घुस गया, या यहां धक्का वहां धक्का, यहां मौत और वहां पर नुकसानी। प्यारे लोग जनता, ब्रांडवेयर के बुलाया गया ओम हेट लेक एड ऑटो टू क्रेखन Het ozeelde lichaam is in beslag genomen. Ab dekho ye gaari snelheid se chalane ke wajah dekho. Pata nahi batate kis kyun ye gaari udate hain jab ye log pahunch jate ho OSHA par bending ya highway ke rasta par. Ab itna baat hai ki log ki taraf se khabar yahi hai ki National Khaleej Medical Club mein dawaiyan nahi hai. दवाइयां नहीं मिलता है, अब मिले
तो कैसे मिले? जब पैसा निकाल के पटको तो तुम्हें दवाई मिलता है। विल्फ्रेड बगराज सिंह और जो डायरेक्टर फोन है BCFS अखबार को यह बात कहा कि बद्रेफ खनेश मेजलन फोर्सिंग सूरीनाम में ज्यादा से ज्यादा दवाइयां मौजूद है, फोर रात में है, लेकिन जैसे एक सिकन है इस पैसा नहीं देता है तो उनको अस्पराग करना चाहिए ताकि उनको दवाइयां मिले। लेकिन ऐसे ना कि दवाई ना है, दवाई है, काफी दवाई है। ओवर खरो डेल बेडी सैन इन फोर राजक समझेगा भैया, तुम्हें दवाई मिली और जो लोग अब कर्जा पर लिया उन लोगों को पैसा भरना चाहिए ताकि आपको और दवाइयां मिले। तो ये सब बात है। एक मिनिस्टर जो नीदरलैंड का है, नीदरलैंड का मिनिस्टर फॉर बेल्टलैंड से साक स्टेफ ब्लॉक एक विशेष मीटिंग में कहा दैट सूरीनाम फॉर वीक जैन मल्टी एथनिसिटीज एंड फाइट स्टेट इज। हमारे देश के जनता इस बात से सूरीनाम का रखेरिंग काफी नाराज हुए हैं कि सरनाम बांगू थे, सरनाम फाई थे, सूरीनाम ये है तो सूरीनाम वो है, क्योंकि हमारे देश में कितनी इंजीनियर्स लोग रहता भी वो बार बार अखबार में यही बात कहते हैं कि सरनाम खत्म हो गया, सरनाम दोन, सरनाम ये, क्योंकि वो सूरीनामर है, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाता है। लेकिन जब नीदरलैंड का मिनिस्टर फॉर बेल्टलैंड से साक ये बात कहा कि सरनाम फाइट जाति पक्ष के वजह से, जाति पक्ष के वजह से एंड फाइलट स्टेट, अब देखिए हम तो क्या बताएगा का बात है। सूरीनाम के रखेरिंग या कोअलिची एन ओपोसीसी है बट इन अफजोंडरलक फरक्लारिंग एंड हिन मिसनुखन एंड अफकेरिंग गेट ओवर द गवराक्ट एक्सप्राकन फॉर स्टेप ब्लॉक द डेजलॉन से मिनिस्टर फॉर बेल्टलैंड से साक अलग अलग क्वालिसी ने चिट्ठी लिखी साहब क्या भैया स्टेफ, तुम्हें माफी मांगना चाहिए, अगर तुम माफी नहीं मांगेंगे तब तू चकल्लस देखिए। ओपोसीसी ने वही बात लिखी साहब, ए भैया स्टेफ अगर तुम माफी न मांगिए तब देखिए तमाशा, तब तू देखिए कुदाई। द सूरीनाम से रखे हिट ऑल आंखन dat je een verontschuldiging eist van de minister. En in Nederland stuurt D66 aan op het vertrek van de bewindsman. Hou de kietje kallas bij. En die peke kan dat die minister een schrijf mafie mange. Minister ko hou kus karna chahiye. Dunia me awaaz ko uthaa karke pahuchana chahiye. Is tarah se multi-ethniciteit ke baare mein kaha. कि सूरीनाम आज बांकुरुत हो गया है, वो बात आप उन जनता के सामने आपको माफी मांगना चाहिए। हमारे देश के लोग कोअलिसी, ओपोसीसी और रखेरिंग ये तीनों ने यही बात कहा कि सूरीनाम फाइट ना है, मतलब कि सरनाम जिस तरह से लोग ने बाहर बाहर बात फैला दिया कि यहां जाति के कारण से जातियों के वजह से जो अलग अलग यहां पर नोच नाच करता है इसीलिए सरनाम फाइट है, ये ओपोसीसी कहते ना झूठ बात है, क्वालिसी बोले झूठ बात है, रखेरिंग बोले झूठ बात है। मतलब ये है कि 2020 के चुनाव के लिए इशू के कोई के पास अब नहीं रह गया कि हम कौन इशू को लेकर के चलेगा कि सूरीनाम के हाल क्या है, क्योंकि अब तो सब कहते हैं सूरीनाम फाइट ना है, ओपोसीसी यही बात कहता है, कोअलिसी वही बात कह रहा है, जो ब्लॉक के बात हुआ कि ब्लॉक कहते सूरीनाम खत्म, ओपोसीसी कोअलिसी बोले ना ऐसे बात ना है। 2020 के चुनाव के लिए अब हम लोग देखिए कौन कौन समस्या लेकर के ये लोग आगे बढ़ेगा सूरीनाम के बारे में। कई मरतबा लोग से कहा गया बप्पा ये बड़का बड़का ट्रक और ट्रैकर बड़का ब्रोकी पर न चलाने के इजाजत दिया जाए। हम बात करते थे सूरीनाम रिफ्यूज के ब्रोकी पर, बॉस बोला था और कोपनाम वो लंबा ब्रोकी जो वहां बना है, प्यारे लोग ट्रैकर ने प्लाच जो है
एल्युमिनियम प्लाट या कॉन प्लाट जो उस पर था उसको नोच करके निकाल दिया बाहर। द लोस्कराट रई प्लाटन फ्रॉम द कोपनाम ब्रुग, यही आज या कल इसमें काम जोर तोर से किया जाएगा, क्योंकि वो उखड़ करके रीवा में गिर गया था, रीवा में से निकाल करके अब ऊपर लाया गया है। अब इस पर जिस तरह से बड़ा बड़ा स्क्रूफ लगा था उसको वापस स्क्रूफ खोज करके लगाया जाएगा, क्योंकि जब रोकी पर बड़का बड़का ट्रैफिक वगैरह चलता है, हिल रहा है घर 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 घर, और ये स्क्रूफ खुल खुल करके और गिर जाता है। लेकिन एक चीज सरनाम में जब टूट के गिर जाता है तब लोग दौड़ना चाहते हैं, लोग चलो हाँ चलो बचावे चलो बचावे, क्योंकि जब गोसलार बुड़ गया तो एकाध को कॉमेडी यांतन आए गोसलार को निकालने के लिए बोले हम लोग गोसलार को रीवा में से निकालेंगे। ए बप्पा, जब ये सब चीज होने के बाद में तुझे को निकाले, वो तो सर के वहीं पर फंसा पड़ा है काका है? से नाम यही सब चीज होता है। जाने कितना फेर, कितना फेर एसएमएस के बुड़ल वहीं पर रात तक कोई ना निकाल सका, तो गौसला के तू निकाल पाइए। बहुत से जोकर है सर नामे काका, जोकर है। मैं देख रहा हूं कि ये निकेरी के ब्रोकी पर कितना मुसीबत है, निकेरी के कितने लोग कई मर्तबा कहा ही नाट ब्रोक भी हिल रहा है घर 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 घर, उस पर भी कोई ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि एक चीज टूट जाने से टूट गया तब देखो दौरत है। समझे ने काका, समझावे की देख काकी, घर छोड़ करके फलाने भाग जाई। बोले ना 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 जाए, अपने बाप माई के कभी छोड़ के ही ना जाए। काकी हम तो क्या बताई ला, एक दिन हम तो क्या बताई ला, उत्वात्वा जो है घर में वो तो को छोड़ के भाग जाई। ना 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 जाई, अपने बाप और माई के बहुत चाहत है। बाकी जब सचमुच गठज उठी बांध करके और भाग गई है तब रोना पिटना शुरू है, तब बोले हां देखो भागने से पहले इंसान इंसान से बातचीत करना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि कौन सा मुसीबत होगा और भागने की जरूरी क्या है, जब आप सब कुछ तैयार हो चुके करने के लिए। इंसान इंसान से बतियाना चाहिए, न बिगड़ जाने से भाग जाने से तब चलो बप्पा से संभारे ना, तब समय बीत गया। देखो हम चुगली न करी लाका की, लेकिन अब सी जितना लोग काम करे लांटी के सब लइए फकांसी ख्याल देखिए तनी तू। अब हम न बोल रही कि काका खाली एक के पैसा घरे लावत है सलारस और फकांसी ख्याल न लाई से रहा, ई बात हम न बोली ने, कोई सुनी से बोली बात, इतना बात हम वो बोली ने कि काकी अब सी दो दो सलारस रहेगा, एक है तनखा और एक है फकांसी ख्याल, वो लगभग उतने, और एक है कोप क्रक्स पर स्टैकिंग ड्राइव होंडर, वो भी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा के बात हम बताएगा काकी, तीन चीज के बात हम आपको संदेशा दे लिए, एक है सलारस, एक है फकांसी खेल, और एक है कोप क्रक्स पर स्टैकिंग, समझे ना। तो अब सब कोई जानत है कि कम करता लोग लांटी के तीन चीज लेकर के घरे आएगा। अब हम ना बोलेंगे क्योंकि आक्षी कमिटी अल्कोवा, आक्षी कमिटी अल्कोवा एक पेटिची जाकर के द नेशनल असेंबली जेनिफर हेलिंग सिमोंस को दिया, क्योंकि इसको पता ये लोग को कि अल्कोवा मंटल किया जा रहा है। मंटल यानी कि सब उखाड़ उखाड़ करके खिड़की किमारी दरवाजा ईओ
अब अमेरिकन लोग लेकर के वापस जाएगा अपना मुलुक। वो लोग के फैसला अटल होता है, वो लोग को फैसला न है कि आज हा कहो बिहान ना, ऐसे ना। अमेरिकन जो है एक मरतबा बोल दे इसके ऐसे है तो ऐसा ही है, वो एक एक प्लाट जो है, एक एक जितनी चीज है सब उखाड़ करके खोल करके और उसको ले जाएगा अपना मुल्क। और मातल करते हैं प्यारे लोग, चाहे जितना यहां आपसी आप करेंगे, वो लोग अपना सामान लेकर के अब जा रहा है, वो लोग रुकेगा नहीं। चाहे हम जितनी सवाल करेंगे, जितनी बात करेंगे, वो अब नहीं रुकेगा, वो लेकर के सब जा रहा है। इसलिए डीएनआर के फोर्सेटर पेजिक्सी लेते हुए कही कि बाकी हम कौन जवाब आप लोग को दे, हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो जैसे आप लोग अखबार में पढ़ते रहते हैं वैसे मैं भी पढ़े हैं कि अल्कोवा या अमेरिकन लोग अपना सामान खोल करके ले जा रहा है, ये हम भी सुनी है अखबार में, ये बात लिखल है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। अमेरिका ने अपना चीज न्योता न बांटे दुनिया में, न्योता बांट के जब काम नहीं, वो करने के बाद न्योता देवत है, ऐसे है ये लोग। तो इसलिए राफी नादरे ऑन मांटल की जा रही है। हम अपने जनताओं को बताना चाहूंगा कि वेल्को फालिस को न्योता मिला था, लिलियन ने चिट्ठी लिखी थी वेल्को के कि वेल तू आ सके हमारे पास, मिनिस्टर लिलियन फॉर अंडरवेज कल्चर हे गेस्टरन मेर दान फीर यूर गस्प्रोकन मैट बीफे एल अलियांसी वेल्को फालिस। वेल्को फालिस यही बात तो चाहता था कि हमें लिलियन चिट्ठी भेजे, हमें बैठाए कंटोर में, हमसे बात करे, हमसे तो हमसे उसे मुलाकात होवे, हम शेख खान करी, वो हमें शेख खान करे, तब हम लोग बात करी ऑपरेटिंग फॉर रेरार एंड ईओएल के बारे में। तो बोले बातचीत भाई है, और वेल्को बोले एकदम तफरीजन, तफरीजन मतलब कि फिर बात करी सर, और तो जाने की ये बात हुआ, और बोले हेटवास अल खुद खस्प्रैक है साल मानदाख दो सेंटन एट खस्प्रैक फोर लेखन। ओकरे बाद में वो लोग ने और कुछ हो करेगा, लेकिन बेफियाल और आउस लिलियन मिनिस्टर से चार घंटा तक बातचीत की है, चार घंटे तक बप्पा, चार घंटा यहां से आप निकेरी पहुंच सकते थे, निकेरी से यहां वापस, लेकिन वेल्को लिलियन दोनों चार घंटे तक भाई बातचीत किए हैं खुद खस्प्रैक। एक मिनिस्टर सर नाम में उसका नाम इजलिस इल्डिस ना इजलिस इल्डिस इल्डिस बातचीत की है कैसे बियांका डेबिट से, यह स्टाट सेक्रेटारस फॉर अंतर्राष्ट्रीय सामनवर्किंग इन बेल्जियम। 16 जुलाई को ये दोनों सामनवर्किंग ओपनिंग कॉन्स्टेकन किए हैं परमारिबो में, एंड हैट मतलब कि ये ब्रसल बेल्जियम से ये बेचारी यहां पर हाथ मिलाने के लिए आई है और टेकन हो चुका है। प्यारे प्यारे लोग, सूरीनाम के जनता, मैं देख रहा हूं कि एक आदमी ने अपने मैया को धमकी दी, मैया को धमकी दी कि हैया कद्दारम तो के वो कद्दारम,
रेक्टर डैनियल करामताली, कल दावत का जो अपने माई को धमकी दी कि तुम काट डालो तो ये करब वो करब, दावत का को कल 12 महीना की सजा, डैनियल करामताली हथौड़ी मार दिया तफरा पर क्योंकि अपने मां को धमकी दी और उनको धमकी दी कि हम तुम्हें ये कर डालब वो कर डालब। इसलिए जब दावत का सिर्फ मई 11 जूनी 8 जूनी तकेर खेन तीख से मुदर रेस्ट बोले ना अब तो के ये मौका हम लोग नहीं देंगे, डैनियल करामताली दावत का को 12 महीना संतो बोमा भेज दिया। आगे चल करके बाप सामान जो चोरी का सामान खरीद करके चोरी का सामान जो अपने पास रखा था क्लिफ्टन का स्टोलन स्पेलन, रेक्टर उन्हें कल 3 महीना सजा सुनाई है क्योंकि चोरी का माल तो अपने पास रख रहे हैं और डार भी 250 SRD। चोरी के माल रखना, चोरी के सामान कीनना, जब चोरवा संत बोमा जाए तो तू भेजे ये संत बोमा। प्यारे लोग संदरेस पर जितना लोग आते हैं आप लोग अपने अपने तस कफर के पर ध्यान रखियो काका। एक हम बखाश इतवार के शाम को पार्के ट्रेन जोहान आदोल पेंगल थाफन के पार्के ट्रेन से किसी के हाथ लग गया, वो लेकर के भाग गया, वो जाकर के नालिश की है लेकिन सिपाही ने कहा कि चोर कामरा पर हम लोग देखी कोई चोरी नहीं की है। तो बात ऐसे है द क्रेन केंद्र सेटन हिंड कॉफर्स नेर ऑफ दी पर फॉल्कस इन द वाहन तलादन। जब ये कॉफर शुरू है गाड़ी में रखने के लिए तो हान बखाश है ही नहीं। इन द हान कॉफर वॉज एर क्रेज लैपटॉप ऑपलादर 2 telephone 2 flight tickets ए स्वार्थ पावर बैंक सोनब्रेल नेजलास पासपोर्ट, कोई उठा करके भाग गया या ये लोग कहीं गलत जगह पर रख दिया क्योंकि क्रोध फादर आया है नेदरलैंड से लड़कन क्रोध फादर के ओपा 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 कौन सी ले लो ओपा ओपा कैसन पैसन के ओपा के एकदम फरदवाल सोच है ओपा लाइस इन लोग के लिए विस्की रेम दारू और ऐसा अपना और या ओपा 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 करे ओपा के हाथ से तस कहीं से खाएंगे बच्चों उठा करके भाग गया। समझे ना अब करियो तो क्या करियो, जो क्लैन केंद्र ने इसी हल्ला दंगा मचाया और ऊपर के तास चोरी हो गई सब। और अब देखो जितना सामान चोरी हो चुका है ना, अब मिले कि ना मिले, अब चोर लौटा के छोड़ो लाई बप्पा लेकर के भाग गया। तो जइयो सांद्रे अयो तो अपना सामान पर ध्यान रखियो, जितना कॉफर है हान बखाश सब चीज पर तनी ध्यान रखियो, न फरदवाल हो जाइयो मौसी के देख के या मौसा का देख करके या बुढ़ाओ की देखी से मैं एक नया मौसी को बस अपना कॉफर पॉफर सब छोड़ छाड़ गई बस कॉफर लेकर के चोर भाग गया। तो हम ना कुछ बोले मांगी काकी, अगर आप लोग फुर्सत तक न रहियो तो यही हाल होगा सब लोग के साथ। प्यारे लोग बताइला तो के तू कहीं गैले बाप पौड़े के तू न जाने पौड़े तो न जा पानी में, ये बहुत गड़बड़ बात है। 27 साल का मार्फिन जो ना बीफे के शाम को पिकिंग स्ली ये पौड़े के लिए गया है,
17 जुली को ये पौने के लिए लोगों के साथ वहां गया है, बस अचानक ये गहर जगह पर बुड़ गया है। दो दिन के बाद खोजते खोजते इनका लाश मिला है। सिपाही 27 साल का मार्फिन योना का लाश परिवार के हवाले कर दिया है। ये पौने के लिए गया था बेचारा, इनका मौत हो गया है ना। देखिए प्यारे लोग, अगर आप ना, अब आप लोग नहीं जानते एक, अब देखो कभी कहीं 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 न्योता में जब बाजा बजे लगे है, बजल बाजा पर रंग बप्पा, तो देखो एक दुई को बुढ़वन बीच में जाए खड़ा हो गई। तू न जाने नाचे, तू कैसे जाए के बीच में खड़ा हो गए रे? तो थोड़ा देर में आकर के बुढ़वा बताता है, पूछे कि का है काका तू नच रहे? अरे म्यूजिक तो बजा तो के नाचना चाहिए था, तू कढ़िया नहीं रहे कारा का बात में। बोले आंगनवा टेढ़ तो नाची कैसे, तू न जाने था नाचे तो कौन जरूरी वहां जाकर के खड़ा होने के बीच बीच में जहां गिटार बजत है कि तू सबसे बड़कर नचनिया तू ही है, तू ही संग्राम के अमिताभ बच्चन हो, बेसहूर आदमी बनकर के खड़ा हो वहां। तो जब तू न जाने पौड़े काका तो तू न जा पानी में बप्पा, जब सुनो तो पला कोई के मौत हो गया, कोई के ये लाश मिला तो कोई को ये मिला। इसलिए गुजारिश है और लोग को बताना जरूरी है कि जहां जहां लोग जाते पौड़ने के लिए, अगर तुम्हें पौड़ना नहीं आते हैं तो पानी में मत उतरना। देखो नीदरलैंड के सरकार, नीदरलैंड के यूस्टिची, नीदरलैंड के दुआन सुरनाम के कुछ पैसा बसराख में ले लिया है, सरनाम के कुछ पैसा बसराख में लिया। कितनी हद तक हो गया अभी तक लोग ठीक फॉर क्लारिंग 1.5 मिलियन यूरो जो सेंट्रल बैंक पैसा भेजी रहा, ये नीदरलैंड के यूस्टिची, नीदरलैंड के दुआन ये पैसा बसराख में लिया 1.5 मिलियन। अब 4 मिलियन फिर गए वो भी बसराख में ले लिया। जब आप लोग न बता पा रहे हैं कि कहां से पैसा जा रहा है, पैसा के भेजी से केकरे लिए पैसा जा रहा है, महारानी के लिए पैसा है कि और कोई के लिए पैसा, तो के बतावे के चाहिए। नहीं 3.5 मिलियन अब वहां पड़ल है, फिर 4 मिलियन जा रहा था त्रिनिदाद के बैंक, वो भी पैसा वहां फंसा पड़ल है। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे ये सब पैसा के कमाइल है, कहां से कमाइल है, चौर बेच करके कमाइलो है, लकड़ी बेच करके कमाइलो है, तेल बेच करके, बकुआ कौन चीज बेच करके कमाए, तनी बताओ तनी। लेकिन जब आप नहीं बता पाएंगे तो ये पैसा बसराख में रहेगा, क्योंकि बकरा ये पैसा आपको नहीं देगा। हमारे जनता तो जानते है कि लेरोई फिर तक यार फरदख्त हा लेरोई, ओबामा मिनिस्टरी इनको 4 साल के सजा की मांग की, ये 14 साल के अपने फ्रिंडेन के नेक्स्ट को बलात्कार की है, इसलिए 4 साल इन्हें संत बोमा रक्त भेज दिया। संत बोमा, अब देखो क्या तमाशा हो रहा है इन ऐसा ऐसा लोग के साथ। यही टेफे, यही टेफे मतलब है स्टेट योगदान वर्जर्खिंग, ये लोग कल आक्षी किया है, आक्षी प्रोटेस्ट, आक्षी प्रोटेस्ट, आक्षी काका समझे ना,
ये लोग जो इंसान के खबे तबीज बनाता है, दांत उखाड़ते हैं वगैरह वगैरह, ये लोग ने शनिचर को शनिचर इन सेट डाउन एक्सी 10 बजे तक काम लोग करते हैं उनके बाद, क्योंकि ये एक्सी है लूम कोरेक्सी के बारे में, लूम कोरेक्सी ये लोग को और तनख्वाह होना चाहिए। और तुम्हारा दांत पिराई तुम पहुंचे वहां उखाड़े के बोले ठेगा, चाहे तुम जितना बोले दंत उखाड़े को ना उखाड़ी, वो अक्षी से है। तो तनी याद रखियो, ये लोग कोप करा फॉर स्टर्किंग चाहता है, ये लोग लोन फॉर होकिंग चाहता है, इसलिए लोग अक्षी से है। डिक्रिमिनेशन बीफे के रात्रि को कुछ वेन्द्रात में जहां स्वयं बात है वहां ढाका डालें ये लोग। स्लाक्टोफर सी ओ स्लाक्टोफर आपे ये लोहा कहा कि लोहा के केती एजर कैटिंगन इन केती से ये लोग को ऊपर हमला किए हैं। ये सब डाम पर गिर गिर पड़ रहे हैं, चोट भी लगा ये लोग को शरीर मोड़ी पर हाथ गोर में। इनों का केटी हाउस कैटिंग पोर्टमनी 1000 SRD 25 अमेरिकन डॉलर मार मार करके इनको डांप पर सुला दिया और सामान लेकर के भाग गया है सिपाही। ये बात आगे ऑन शुक कर रहा है। हमारे प्यारे जनता, मिनिमम लोन के बारे में हर एक बदरेफ या कमकर्ता इंतजार कर रहा है, क्योंकि कमकर्ता चाहते हैं कि वो लोग को तनख्वाह बढ़ाया जाए, इसलिए ये लोन के बारे में वो लोग इंतजार कर रहा है। दो औरतें पर हमला किया डैम पर, कोकोबिया कोवैक के बात हम करते हैं, दो डाकू जो ब्रोफिस पर है, दो औरतें या लड़कियां डैम पर चल के सड़क पर जा रही हैं चल करके, ये दोनों कोशिश की उनको लूटने के लिए, लूटने कोशिश की, ताश छीन रहे लेकिन नहीं खींच सका, तो ब्रोफिस और कागज ऑप्शनल है से चला, लेकिन एक शोफेर टैक्सी शोफेर पीछा किया, उनका एड्रेस देख लिया कहां रुका वो लोग, और ये दोनों बच्ची को आकर के बताया। अब बच्ची जाकर के नालिश की और दोनों डाकुओं ने गिरफ्तार हो गया है। एक के नाम है जेरेमी और एक के नाम है डेलन। ये दोनों ने कोशिश की इन दोनों बच्चियां को लूटने के लिए कोकोबिया कोवैक रास्ता पर, लेकिन एक टैक्सी शोफेर के सहायता से ये दोनों डाकू गिरफ्तार हो चुका है। प्यारे लोग, ये सही बात है कि SMS की जनता आज रो रहा है। SMS ये सही बात है। Nicht allein bedrohen und brotlos gemacht durch den Staat, auch noch ein achterstalliges Salaris von 8 Monaten bei der Staat liegen, seit 2016. Ye janta jo wahan par kaam karte the bicharen, jab se broki bana, SMS ke board bhi ruk gaya, kyunki SMS ke board ko chalana chahiye tha। SMS के बोर्ड को चलाना चाहिए था, क्योंकि जब फिर होता यानी कि सुरिनाम रिफिर के बोगी पर, तो घंटन घंटन लोग रेई में खड़ा रहते हैं, लेकिन हमारे चलाक लोग पता है कि देश में कि ना है, ये लोग को SMS बोर्ड को तैयार करना चाहिए था, ताकि SMS के बोर्ड पहले की तरह ये सब अपना काम फिर से शुरू करे। दुनिया भर में फेयरबोट चलता है, जिस देश में जाओ वहां फेयरबोट है, खाली सरनाम में फेयरबोट बंद है, क्योंकि यहां पर झन्ना सेठ रहते हैं, जाकिर मान लोग रहते हैं ना। काम तो है और बताई मौसी। प्यारे लोग, नया अजिंक्स डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनुम हुआ है सरमक्का में,
district secretaris Torrejo Ren. वहीं शर्मक्का में ये काम करता था, इन्हें अजंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरिस ये बनम हुआ है श्रीमती जूरी को. डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर शर्मक्का श्री लक्ष्मी नारायण दुबे उन्हें इंस्टॉलर भी किया है उनका नया फंक्शन में. अब इनको काम करना चाहिए जिस तरह से शरियात के कायदा कानून है, उनको काम करना चाहिए. और इसीलिए तोरेजो रेन को जो ये मौका मिला ये दर्जा पर और ये काम करने के लिए, अब उनको दिखाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि इस फंक्शन में वो क्या कर सकता है. प्यारे प्यारे लोग, ऐसे भी कितना लोग जिन्हों को बफोर से मिलना चाहिए, धीरे धीरे हर एक को मिल सकेगा. ये तो सरकार के हाथ में है ना. ए काका, तो हम कहा बताई भैया, सब लोग जानत है 2020 में जबरदस्त चुनाव होगा. Politieke partijen gaan in 2020 alleen de verkiezing in. Patanya baap, sab jo partij utha, itna jhund bhar partij uthal hai. Ye sab alag alag kitna stem lekar ke aayenge. Ek partij ke 5000 se jyada stem ke hona chahiye ek seat chal ke liye. 5000 se jyada. Aur yahan par jab 100 स्टैम लेकर कहियो बड़का पार्टी के पार्टी उठाने के बाद 100 स्टैम, तो ये तो बर्बादी बप्पा, दौलत के बर्बादी है और आपके भी, यानी मेहनत जो आप करेंगे वो पानी में पड़ जाएगा. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पार्टी चाहे छोटा या बड़ा, बड़े पार्टी के साथ मिलकर के और चुनाव में भाग लो, तब मजा आप देखेंगे. क्योंकि अभी आपने सुने हैं ओपोजिशन कोअलीसी रखे रहे, एक भी जैसा जो नहीं जानता कि सन्नाम फाइद यहां के लोग नहीं, नहीं सन्नाम फाइद नहीं है एक को सब ओके माफी चाहिए मांगे के. हम लोग अब इंतजार करेंगे कि ओपोजिशन आगे चल करके देश में क्या कहेगा कि देश के हाल क्या है. प्यारे लोग, अच्छा से रहियो. इतवार आ गया है, स्कूल के बच्चों ने पास होने लगा है, स्कूल के लड़कन पास होने लगा है. अब बच्चों जो आप पास होते स्कूल में और आप साइट, तुम्हें हर कंस मिलेगा फिर से एग्जाम बनाने के लिए, तो हिम्मत से जा करके और आपको कोशिश करना है, वरना बहुत पछताएंगे. उसके बाद में हमेशा वैकेंसी में लोग दूर दूर जाते हैं पिकनिक करने के लिए, दारू पीते हैं, गाना बजाना होता है, नचनिया लेकर के जाते हैं. देखियो बप्पा, अबे ये कोई गलत काम मत करना. अगर सब स्कूल वैकेंसी के बात करार देगा, ऑनरवाइज मिनिस्टर वैकेंसी ऐलान करेगा, तब आप लोग को वैकेंसी की तरफ जाना चाहिए. अब तो लड़कन पास होत है लेकिन अभी वैकेंसी नहीं है. वैकेंसी कहीं ऑफिस में मिलता है ना, अगोरियो तनी से. भाई बहनों, अगोरो तनी से लड़कन खास करके, और जो लोग दूर दूर जाएंगे पिकनिक करने के लिए, अगर आप पौड़ना नहीं जानते हैं तो पानी में न उतरियो, पानी में मत उतरियो. और आजकल लड़कन के कोई मिन्हा कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि लौंडन और छौड़ी दोनों खींचे लगा है विस्की पीयत है दोनों बप्पा.
अब स्कूल जात है पिय चुक्कर मारस है चुक्कर, तो बहरे जाते फकांसी तो वहां कर्तन कर्तन दारू पीते हैं और उपद्रव भी करता है। भाई बहनों, पानी में मत उतरना अगर आप नशा से है, पेड़ पर मत चढ़ना अगर आप नशा से है। एक मर्तबा एक बुढ़वा बप्पा दारू पी कर पेड़ पर चढ़ गए, नरियर के पेड़ पर काकी, इतना ऊपर चढ़ के जाके ऊपर बैठल है, उनको उतरना चाहिए तो न उतर पाए, बोले हम न उतर पाए। वो करीबन 12 घंटा बैठल ला नरियर के पेड़ के ऊपर, मस्कीटा वही काटे वही बप्पा वही से, जब जनता देखी से ब्रांडवेर जा करके रखी से गो बड़का टापू भैया, तो बुढ़ौआ को बड़ा मेहनत से उतर ले, पूछे कैसे तू गए, बोले हम दारू पी चढ़ गई लेकिन नशा कटा जब तब न उतर पावे। अब न उतर पावे बुढ़ौआ, बुढ़ाऊ लोग उपद्रव करे देश में, बुढ़ाऊ लोग को शांत रूप में जिंदगी बसर करना चाहिए, तो चढ़ने लगा इनों को जैसे प्रैक्टिस चढ़ने के लिए, यहां चढ़े वहां चढ़ाते, चढ़ गए नरियर के पेड़ पर उतर न पावत। तो भाइयों, नौजवान लड़का भी दारू पी करके पेट पर मत चढ़ना, अगर फकांसी आपको मिलेगा तो अपने परिवार के साथ या कुलब के साथ अगर जाएंगे तो आप पर लोग निगाह भी डालेंगे। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया।